जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर नेचर पार्क में आरएसएस द्वारा कबड्डी के नाम पर शाखा चलाए जाने का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण होता देख नेचर पार्क पुलिस छावनी में तब्दील हो गया, जहां दोनों तरफ के लोगों को पुलिस ने पार्क से बाहर कर दिया है। ये नेचर पार्क वन विभाग के द्वारा स्थानीय लोगों के लिए बनाया गया है, जहां लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। ऐसे में आरएसएस के द्वारा पिछले हफ्ते कबड्डी के नाम पर शाखा चलाकर धार्मिक नारे लगाए गए थे। इसी कड़ी में आज फिर आरएसएस के लोग नेचर पार्क पहुंचे और शाखा चलाने का प्रयास कर रहे थे, जिसका स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया, जहां स्थिति बिगड़ती देख आजाद नगर थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे और दोनों तरफ के लोगों को पार्क से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं पार्क में मॉर्निंग वॉक करने आए स्थानीय जमशेद आलम ने कहा कि यहां सभी धर्म के लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, जहां इस क्षेत्र के लिए ये एक लौता पार्क है। वहीं आरएसएस के द्वारा इस पार्क को भी साजिश के तहत धार्मिक अखाड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं माहौल को शांत कराने पहुंचे आजाद नगर थाना प्रभारी नरेश प्रसाद ने कहा कि डीएफओ मैडम के आदेशानुसार इस पार्क में लोग केवल मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, खेलने या धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करने की अनुमति इस पार्क पर नहीं है, जहां दोनों तरफ के लोगों को समझा कर हटा दिया गया है। स्थिति अभी सामान्य है। एक रिपोर्ट अफरोज मलिक की। तो दो पक्ष में कौन लोग थे, किस बात के लोग विवाद होने वाला था? आरएसएस वाले वो लोग कुछ खेल प्रतियोगिता करना चाह रहे थे, जो पक्ष लोग तो शाखा बनाने की बात ही लोग कह रहे थे, उसको सब जानकारी हम लोग को नहीं है, लेकिन खेल प्रतियोगिता करने का था, जो पक्ष के लोग विरोध कर रहे थे। यहाँ पे मैडम का आदेश है, देखो मैडम का यहाँ खेल तो नहीं करना है, कोई भी नहीं, तो पार्क है, पार्क घूमने का है, सर घूमने से कोई खेल नहीं करेगा, खेलने का कोई यहाँ पे खेलने का अभी यह माहौल। आज ऐसा है कि हम लोग यहाँ आज कल 6-7 साल से फुटबॉल खेलते हैं, मैदान का मतलब देख रेख सब हम ही लोग ज़्यादा करते हैं यहाँ पे, और रेगुलर हम लोग डेली का फुटबॉल खेलते हैं यहाँ पे। पिछले संडे आरसी सी वालों कुछ लड़का है, बोले कि हम लोग का ये है कबड्डी स्कूल की तरफ से, तो हम लोग को खेलने दीजिए। तो हम लोग को लगा स्कूल का है, तो हम लोग सब लड़का हट गए। हम लोग का 8 टीम लड़का था, 8 करके एक टीम में 8 लड़का रहते, हम लोग सब बाहर हो गए। हम लोग खेला 20-25 मिनट, उसके बाद उन लोग अपना 3 घंटा का शाखा चलाया यहाँ पे आरएसएस का। तो आज भी उसी के लिए आए थे हम लोग, तो हम लोग मना किए कि भाई यहाँ पब्लिक ग्राउंड है, हर आदमी आता है, हर तरह का हर जाति के लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने के लिए, आप लोग इस तरह का प्रोग्राम मत कीजिए। इसीलिए आज हम लोग यहाँ फुटबॉल खेलते तो लोगों नहीं प्रोग्राम होने दिए, उसी प्रशासन है, प्रशासन बोले कि नहीं इस तरह से नहीं होगा, ये पब्लिक से पब्लिक जगह है, हर लोग खेलते हैं यहाँ पे, आप लोग जैसा खेल रहे वैसे खेलिए, खेलने का किसी का मना ही नहीं है, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, जो खेलना सब तरह खेले, मगर इस तरह धार्मिक स्थल ना बनाए इसको, ना मुसलमान बनाएगा ना हिंदू बनाएगा। ये मैदान है, एक तो नेचर पार्क है, हर घर का औरत यहाँ निकलने लगी है कि मॉर्निंग वॉक करने आती है, जो औरत कभी घर से नहीं निकलती तो इस पार्क की वजह से औरत घर से आने लगी है कि मॉर्निंग वॉक करके घर जाती है हर तरह का। इसको भी हम लोग माहौल यहाँ खराब करना चाहते हैं, बस हम लोग का यही मांग है कि प्रशासन से कि इस तरह का कोई काम ना होने दे, बच्चे लोग खेलते हैं बस खेले। नाम क्या हुआ? जमशेद आलम। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।